नमस्ते दोस्तों, अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है और इसमें ब्लूटूथ है और आपके पास एक ब्लूटूथ स्पीकर आपके पास है, आप चाहते हैं कि दोनों में कम्युनिकेशन बन जाए, दोनों में पेयरिंग हो जाए, इसका गाना सुने और तेज आवाज भी सुनाई दे, तो आपको बताता हूँ कि कैसे आज अपने ब्लूटूथ स्पीकर को कॉन्फ़िगर करते हैं अपने मोबाइल के साथ में, और बताऊंगा आपको कि इसमें जो ब्लूटूथ स्पीकर होते हैं नॉर्मली उसके अंदर जितने पोर्ट होते हैं सबके बारे में जो है शुरुआत करते हैं। तो पहला पोर्ट बता दूं आपको, स्विच दिया हुआ ये ऑन ऑफ स्विच है, इससे ऑन करेंगे इससे ऑफ हो जाएगा, ये हो जाएगा। और सेकंड नंबर पे आता है लाइन इन पिन, मतलब कि अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर जो स्पीकर का पोर्ट होता है जिसमें हेडफोन ईयरफोन लगाते हैं, ये पिन होता है, तो वो इसमें लगाएंगे, एक साइड यहाँ लगा देंगे और सेम एक साइड जो है मोबाइल पिन में लगा देंगे, जो मोबाइल पिन का स्लॉट होता है यहाँ पर लगा देंगे पीछे, तो आप इससे गाना सुन सकते हैं। ये हो गया। फिर तीसरे बात करता हूँ मैं आपका, ये यूएसबी पोर्ट होता है, देख लीजिए यूएसबी पोर्ट है ये, और यहाँ पर पेनड्राइव लगाकर अपना गाना सुन सकते हैं। ये जो पेनड्राइव आते हैं तो ये भी बताऊंगा वो कैसे लगाया जाता है, पेनड्राइव लगा के आप सिंपली यहाँ पेनड्राइव लगाएंगे गाना सुन सकते हैं। और उसके बगल में दिया छोटा सा पिन दिया हुआ, एक चार्जिंग पिन है, मतलब कि आपको इसको चार्ज करना है तो आप इसके जो मोबाइल फोन चार्जर होते हैं उससे चार्ज होता है, ये सारी चीज है। तो मैं कहूंगा लास्ट तक वीडियो देखिए, कहीं स्किप मत करिए अगर आप सीखना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा कैसे किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता है, तो इस वीडियो को देखने बाद में पक्का वो सीख जाएंगे दोस्तों। तो मैं कहूंगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज बस सब्सक्राइब की, क्योंकि ऐसे टेक्निकल वीडियो हम बनाते रहते हैं आप सब लोगों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मैंने बता दिया अगर लाइन पिन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये केबल चाहिए, मैं ये बहुत सिंपल चीज़ इसमें टफ नहीं होता है, क्योंकि एक साइड यहाँ लगाना और एक साइड मोबाइल लगाना है, उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना, तो आपका गाना चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ पेनड्राइव के लिए। पेनड्राइव लगाने के लिए आपको जो है गाना चाहिए, इसके अंदर पेनड्राइव में गाना डाल दीजिए, MP3 फॉर्मेट हो जाएगा, वेव फॉर्मेट जो भी फॉर्मेट सपोर्ट करता है, आपका स्पीकर खरीदने जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, नॉर्मली MP3 फॉर्मेट सपोर्ट करता है सिंपल तरीके से। तो अब गाना इसके अंदर है, हमने देखिए इसको यहाँ से स्विच कर दिया, यहाँ पे अभी बंद है ये, हमने इसको ऑन कर लिया और इसमें लाल बत्ती जल रही है। अब चलते हैं, कहीं से भी कुछ नहीं करना है आपको, सीधे यूएसबी पोर्ट के अंदर इस पेनड्राइव को लगा देना है आपका गाना। ब्लूटूथ मोड, देखिए ब्लूटूथ मोड के ऊपर है ये, और यहाँ पर ब्लूटूथ रहेगा और यहाँ पे जाइए आप सिंपली इसको ऐसे लगा दीजिए पेनड्राइव को। प्ले बाय यूएसबी ड्राइव। अब बता रहे हैं देखा आपने, सिंपल तरीके से लगा करके आप गाना सुन सकते हैं, ये ऑप्शन सिंपल तरीके से ये लगा सकते हैं दोस्तों। तो मैं इसको पेनड्राइव को रखता हूँ स्पीकर को। अब आती है बात की अपने मोबाइल के जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ से कैसे अपने स्पीकर कनेक्ट करें, आप कैसे वायरलेसली जो है गाना सुन सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, आपको बताता हूँ क्या क्या सेटिंग करना पड़ता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आ चुके हैं अपने स्पीकर पे, देखिए स्पीकर के अंदर मैंने ब्लूटूथ ऑन कर दिया है, देखिए और यहाँ से चेंज होता है, जैसे यहाँ से आप चेंज करेंगे ब्लूटूथ है ये FM मोड, तो जो भी चीजें क्लॉक मोड, क्लॉक मोड आ गया और फिर इसमें ब्लूटूथ आया था, ब्लूटूथ करना है। अब चलते हैं अपने फोन स्क्रीन, ये फोन स्क्रीन पे आते हैं कैसे कनेक्ट करना है। तो यहाँ सिंपल तरीके से आपको जाना ऊपर, एंड्रॉइड फोन है ये, और यहाँ जाएंगे दिख रहा है ब्लूटूथ दिख रहा है, आप ब्लूटूथ पे क्लिक करेंगे, ब्लूटूथ पे क्लिक कर दिए ये आ चुका है, ये सर्च कर रहा है, जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे आप ब्लूटूथ ऑन हो गया, इस पर आप दबाए रहेंगे उंगली ओके, ये खुल के आ गया है। अब यहाँ देखिए सर्च कर रहा है ये, और यहाँ पे रियली, और देखिए नीचे रिफ्रेश करके घूम रहा चक्री, सर्च कर रहा है हमारा स्पीकर वो सर्च करेगा, तो इस पर सर्च करने इसको दीजिए जो भी समय लगता हो सर्च करने में वो लगता हो। फिर इस पर अगर नहीं सर्च किया है तो दोबारा इसके ऊपर आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं, हमने दोबारा क्लिक कर दिया है और दोबारा सर्च कर रहा है, देखिए दोबारा सर्च करने में लिख के आ गया है B28S। इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, और देखिए यहाँ पर दिया हुआ हेडफोन का साइन बना हुआ है, तो मतलब स्पीकर ब्लूटूथ का स्पीकर यहाँ पर भी ब्लूटूथ ऑन है और यहाँ पर ये ऑन हो चुका है, यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है इसके ऊपर। अब लिख के आ रहा है पेयरिंग, लिख के आ रहा है और देखिए पेयरिंग हो रहा है ये, अभी कुछ देर बाद कनेक्टिंग लिख के आएगा, अब देखिए कनेक्टिंग लिख के आ रहा है BS2 और ये कनेक्टेड हो चुका है। अब सिंपल हमारा इसके बीच में कम्युनिकेशन हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है, और आपको जाना है अब सिंपली अपने किसी भी जो प्लेयर है, जैसे मेरे पास प्लेयर है ब्लूटूथ, मेरे पास प्लेयर YouTube पे जाता हूं मैं, और जैसे कि YouTube पे नेट कनेक्टेड ऑलरेडी है, यहां पे सर्च करते हैं कोई भी गाना प्ले कर सकते हैं आप चाहते हैं, वरना गाना नहीं प्ले करना है तो कोई भी सॉन्ग प्ले कर जैसे कर लेता है, इसको क्लिक कर सिंपल तरीके से, और देखिए यहाँ से अगर चाहते हैं आवाज़ तेज करना है तो यहाँ से तेज़ आवाज़ होगा आपके मोबाइल में, तेज़ आवाज़ करना कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कोई गाना प्ले करने के लिए तो जो भी गाना टाइप करेंगे अपना वो सिंपली तरीके से आप गाना जानते ही हैं, वीडियो यहाँ डाल देते हैं और वीडियो प्ले करते हैं, और कोई गाना जैसे कि ये है गाना मैं प्ले कर दिया हूँ, अभी कितना भी दूर मैं स्पीकर लेके जाऊँगा ये तो जो गाना है ये गाना बजेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिस्टेंस होता है घर के अंदर, चेक कर लीजिए कितना डिस्टेंस और आप करता है, इसको आवाज़ कम करेंगे यहाँ से आवाज़ कम हो जाएगा, फिर यहाँ से आवाज़ बढ़ जाएगा, ये
ज्यादा म्यूजिक और ज्यादा गाना प्ले नहीं करूंगा क्योंकि कॉपीराइट लगने की संभावना होती है, तो इसको मैं बंद करता हूँ, बताता हूँ। मुझे लगता है कि आप सीख गए होंगे, तो अगर आपको इस केबल के थ्रू कनेक्ट करना है तो ये दोनों साइड ये होना चाहिए, एक साइड फोन में लगेगा और एक साइड स्पीकर में लगेगा। पेनड्राइव कनेक्ट करना आपको है, पेनड्राइव लगिए और पेनड्राइव में गाना डालिए और कनेक्ट कर लीजिए पेनड्राइव के थ्रू, और मोबाइल का मेमोरी कार्ड आता है वो लेकर आइए और उसको जो है किसी जैक में डाल के, जो यूएसबी पोर्ट का जैक होता है वैसे टाइप में डालकर वहाँ गाना गायक सुन सकते हैं। तो तीन तरीके मैंने बताया आपको है और तीनों आसान तरीका था, कोई भी मेंबर सिंपल तरीके से उसको काम कर सकता है। अच्छा आवाज़ है और दूरी तक सुनाई देता है, मतलब क्योंकि हम लोग मोबाइल में सुनते हैं आवाज़ बड़ा धीरे सुनाई देता है, लेकिन जब ब्लूटूथ स्पीकर लगा देते कहीं कोने में रख दीजिए आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों लगता है मुझे कि आप भी आराम से अपने मोबाइल को मतलब मोबाइल के ब्लूटूथ को ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं और गाना सुन सकते हैं सिंपल तरीके से। मैं वीडियो बनाकर ऐसे लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो लोग जानते नहीं है, जो जानते वो कहेंगे क्या वीडियो बना रहा हूँ उनके काम का नहीं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए लगता है कि वो बड़ा पहाड़ चीज है, वो कुछ सीख गए। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताया मैं क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं आपके लिए। और मैं आपसे कहूंगा कि हाँ यार एक बार तो आप लाइक कर दीजिए क्योंकि हमारे से लोगों को मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, जोगेंद्र ज्ञान नाम है चैनल हमारे, और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए क्योंकि ऐसे टेक्निकल वीडियो हम बनाते रहते हैं आप सब लोग के लिए। दोस्तों फिर मिलेंगे इस एपिसोड में, किसी टॉपिक साथ में, तब तक आप सब लोगों को नमस्ते, जय हिंद जय भारत।